दोस्तों नवरात्र यानी कि नौ रातें। अब बात करेंगे नवरात्र का पहला दिन क्या है। नवरात्र का पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं और मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न करना है, चलिए जानते हैं एक छोटा मंत्र माँ शैलपुत्री का, जिसे आप आज के दिन सुबह या शाम जप सकते हैं। इसे जपने के लिए रुद्राक्ष की माला लें, नहीं तो मन में ही स्मरण करें, या फिर कमलगट्टे की या स्फटिक की माला पर कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्ये नमः। साथ ही साथ इनका ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। इन मंत्रों का जाप करें और देवी को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं। लाल रंग का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर और अक्षत अर्पित करें। यदि आपसे संभव हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। घी और कपूर का दीपक जलाकर आरती ज़रूर करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की बर्फ़ी का भोग लगाएं। सफ़ेद रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। फल और मिठाई को लोगों में बाँट दें। ये तो था नवरात्र के मंत्र, खासकर आज के दिन का जो परम मंत्र है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए दुर्गा सप्तशती दुर्गा जी की पूजा में सबसे मुख्य मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती में भी तीन श्रृंखला में बटे हुए हैं, जिसमें कि मंत्र हैं ओम अलग से प्रणव जिसे कहा जाता है, ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं माँ महा सरस्वती का होता है, ह्रीं देवी का बीज मंत्र जिसे कि हम भुवनेश्वरी का मंत्र भी कहते हैं, और क्लीं माँ काली का मंत्र कहलाया जाता है। ह्रीं पार्वती के मंत्रों में भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है देवी का बीज मंत्र। तो आप यदि दुर्गा सप्तशती का आज के दिन पाठ करें या आप रोग ग्रसित हैं तो यह मंत्र ज़रूर आज के दिन करें। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वम आश्रितानाम नविपनराणाम त्वम आश्रिताम राश्रिताम प्रयान्ते। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा यह मंत्र। किसी भी प्रकार से रोग से यदि आप पीड़ित हैं या घर में कोई और पीड़ित है या बार बार बीमारी की परेशानी आ रही है तो आप ये मंत्र कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ वो अचूक उपाय जो आज के दिन आपके जीवन को देगा अनोखा वरदान। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो तो करें ये उपाय। पान के पत्ते पर लौंग सुपारी रखें, मिश्री और केसर माता को अर्पित करें। नौ दिनों तक दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा जी की नामावली यानी कि 32 नामों की श्रृंखला का भी पाठ कर सकते हैं। घर से निकलते समय दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा दुर्गा जपते हुए निकलें। इस तरह माता की पूजा करने से सारी समस्याएं दूर होंगी और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। माता का अमोघ आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा।